ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इज इजेवल एंगल एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर फोर्टी टू टू फोर्टी थ्री इन गाइज डोंट फर्गेट टू शेयर योर रिव्यूज इन पुट ऑन योर ईयरफोन्स बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर बेटर एक्सपीरियंस तो चलिए शुरू करते हैं रियांश की बात सुनकर सोफिया डोर की तरफ देखने लगी जो धीरे धीरे खुल रहा था उस डोर से एक लड़की ऑरेंज कलर के सूट में अंदर आग उस लड़की के चेहरे पर डर और झिझक साफ देखी जा सकती थी रियांश अपनी सीट से खड़ा हुआ और सिद्धि के पास जाने लगा रियांश को अपने पास आता देख सिद्धि ने डर का सूखा घूट अपने गले से नीचे उतारा रियांश ने सिद्धि की कमर पकड़कर अपने तरफ खींच लिया जिससे सिद्धि ने अपने दोनों हाथ रियांश की चेस्ट पर परतिक गई रियांश सोफिया की तरफ देखकर बोला मीट माई गर्लफ्रेंड सिद्धि शर्मा जो बहुत जल्द मैसेज सिंघानिया बनने वाली हैं रियांश की बात सुनकर दोनों लड़कियों का रिएक्शन अलग अलग था सोफिया नफ़रत जलन और गुस्से भरी नज़रों से सिद्धि को देख रही थी तो वही सिद्धि अपनी आंखें फाड़े हैरानी से रियांश को देख रही थी जो उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था रियांश सिद्धि के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए सोफिया से बोला अब जब तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देख ही लिया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो उसके बाद रियांश गुस्से भरी आवाज़ में सोफिया की तरफ़ देखते हुए बोला नाउ गेट आउट ऑफ हियर क्विकली एंड नेवर शो मी योर वरेचर फेस अगेन गेट आउट ऑफ हियर सोफिया दोनों को गुस्से में देखते हुए वहां से पैर पटकते हुए चली गई सोफिया के जाते ही रियांश फिर से सिद्धि को प्यार से देखने लगा सिद्धि डरते हुए बोली सा सर वह चली गई अब प्लीज मुझे छोड़ दीजिए रियांश प्यार से सिद्धि के गाल पर हाथ रखते हुए बोला तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है अब तो तुम ऐसे ही मेरी बाहों में रहने की आदत डाल लो सिद्धि रियांश की बाहों से छुटने के लिए कसमसाने लगी सिद्धि को कसमसाते देख रियांश ने उसे और कसकर पकड़ लिया सिद्धि की हालत अब शेर के पंजों में फंसी हुई हिरण की तरह हो गई रियांश ने सिद्धि की थूड़ी ऊपर करते हुए बोला मुझे एक बात बताओ रियांश की बात पर सिद्धि शांत पड़ गई सिद्धि कुछ देर शांत होकर बोली अच्छे ही है दिखते भी अच्छे हैं बात भी अच्छी कर लेते हैं रियांश की पकड़ सिद्धि पर घीली पड़ गई वह मुंह बनाते हुए बोला बस अच्छे मुझे तो लगा कि जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो लेकिन शायद मैं गलत था अब मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और लड़की से करा देंगे अब मुझे कभी अपना प्यार नहीं मिलेगा ये सब बोलते वक्त वह रियांश बहुत दुखियारा लग रहा था रियांश ने उसे छोड़ दिया और दूसरी तरफ अपना चेहरा कर मुस्कराने लगा वहीं सिद्धि ने जैसे ही यह सुना कि रियांश उससे प्यार करता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा लेकिन अगले ही पल वह बेचैन उठी जैसे ही उसने ये सुना कि रियांश किसी और से शादी कर लेगा सिद्धि हड़बड़ाते हुए बोली ऐसे कैसे तुम किसी और से शादी कर लोगे जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो रियांश बोला तो मैं क्या ही कर सकता हूँ तुम तो मुझसे प्यार करती नहीं हो सिद्धि बोली तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रियांश जल्दी से पीछे मुड़ा और मुस्कराते हुए बोला क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो सिद्धि का चेहरा शर्म से लाल हो गया उसने शर्माते हुए ही अपना सिर हाँ में हिला दिया रियांश इतना खुश हो गया है कि उसने सिद्धि को अपनी बाहों में भरकर गोल गोल घुमाने लगा रियांश के घुमाने से सिद्धि मुस्कुराने लगी थोड़ी देर बाद रियांश ने सिद्धि को नीचे खड़ा किया और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिद्धि ने रियांश के गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए बोली हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी रियांश ने सिद्धि को अपनी चेयर पर बैठाया और बोला आई एम सॉरी सिद्धि असमंजस में बोली सॉरी लेकिन किस बात के लिए रियांश बोला मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ वो मैंने तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए कहा था सिद्धि के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई सिद्धि बोली मुझे अपनी फैमिली से कब मिलवा रहे हो रियांश बोला बहुत जल्द और तुम अंकल से कब बात करोगी सिद्धि बोली कुछ ही दिनों में सिंघानिया कॉरपोरेशन मीटिंग रूम में राम चित्रांक्षी को घूर घूर कर देख रहा था और चित्रांक्षी उसे बेशर्मी से ताड़ रही थी सारे क्लाइंट दोनों को देख रहे थे राम जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला चित्रा वॉट आर यू डूनिंग चित्रांक्षी राम को वैसे ही देखते हुए बोली मैं तो अपना काम कर रही हूँ तुम अपना काम करो उन क्लाइंट में से एक उम्र दराज आदमी बोला मिस्टर सिंघानिया मुझे लगता है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देना चाहिए हम फिर कभी मीटिंग कर लेंगे चित्रांक्षी बोली मिस्टर शाह आप बहुत अच्छे हैं आपको पता है यह इंसान मुझे आज तक एक डेट पर भी नहीं लेकर गया कंजूस कहीं का राम अपनी आंखें छोटी कर बोला क्या कहा तुमने मुझे कंजूस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कंजूस कहने की चित्रांक्षी बोली हाँ मैंने बोला तुम्हें कंजूस क्या कर लोगे तुम राम सभी क्लाइंट से बोला आई एम सॉरी हम यह मीटिंग कर करेंगे वह आदमी दोनों को देख मुस्कुरा कर बोला तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो हमेशा ऐसे ही रहना उन सब के जाने के बाद राम चित्रांक्षी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला चलो तुम्हें डेट पर लेकर चलता हूँ चित्रांक्षी राम के पीछे पीछे चलते हुए बोली सच जी राम ने बस में सिर हिला दिया राजस्थान बाड़मेर शिव अपने महल के लिविंग रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था उसके चेहरे पर टेंशन साफ़ झलक रहा था तभी शिव का खास आदमी विक्रम वहां आया बोला कुंवर सा आप परेशान लग रहे हैं कोई दिक्कत है क्या शिव वहीं पड़े सोफ़े पर बैठते हुए बोला विक्रम तेरी भाभी सा कुछ ही दिनों में मुंबई से राजस्थान आ रही है विक्रम खुश होते हुए बोला ये तो खुशी की बात है कुंवर सा मैं अभी जाकर राजासा और रानी सा को बताकर आता हूँ वह इतनी खुश हो जाएंगी कि अभी से आपकी शादी की तैयारी करने लगेंगी शिव उसे रोकते हुए बोला अरे रुख मैंने अभी तक उससे अपने दिल की बात तक नहीं की है और तुम शादी की शहनाएँ बजाने की बात कर रहे हो अगर वामिका ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं तो कुंवारा रह जाऊंगा ना विक्रम शिव का हौसला बढ़ाते हुए बोला कुंवर सा आपको भाभी सा रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी मुझे पता है वह भी आपसे बहुत प्यार करती है शिव मुस्कुराते हुए बोला प्यार क्यों नहीं करेगी मैं हूं ही इतना हैंडसम कि कोई मुझसे प्यार किए बगैर रह ही नहीं सकता उसके बाद शिव उदास होते हुए बोला सबसे बड़ा कांटा तो मेरा साला है पता नहीं जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी बहन से प्यार करता हूं तब ना जाने क्या होगा विक्रम बोला कुंवर सा आप बाड़मेर के कुंवर सा है और होने वाले राजा सा आप ऐसे डर नहीं सकते अगर राजा सा को पता चलेगा कि आप डर रहे हैं तो राजा सा बहुत नाराज़ होंगे शिव बोला वैसे मासा और पापा कहाँ है कहीं दिखाई नहीं दे रहा विक्रम बोला राजा सा और रानी सा तो रियासत में घूमने गए हैं जोधपुर कुमार कंपनी अमर अपने केबिन में बैठा था तभी वहां अशोक जी आए अशोक जी को देखकर अमर बोला पापा आप यहां क्या हुआ सब ठीक तो है ना अशोक जी बोले क्या उस लड़की के बारे में कुछ पता चला अमर थोड़े गुस्से में बोला पापा उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला पता नहीं उस आद्र ने उसे कौन से बिल में छुपा कर रखा है अशोक जी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते उससे पहले ही उनका फोन बजा अशोक जी अपना फोन निकाल कर देखा फोन सुमित्रा जी का था अशोक फोन उठाकर बोले हेलो दूसरी तरफ से सुमित्रा जी की आवाज़ आई आप दोनों जल्दी से घर आइए अशोक जी बोले हुआ क्या है ये तुम बताओ सुमित्रा जी बोली अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है जल्दी आइए अशोक जी उन्हें शांत कराते हुए बोले आप शांत हो जाइए हम अभी आते हैं अशोक जी ने फोन काटा और अमर से बोला चलो जल्दी महल चलो अमर बोला लेकिन पापा हुआ क्या है अशोक जी बाहर की ओर जाते हुए बोला पता नहीं तुम्हारी माँ ने घर बुलाया है कुछ देर बाद एक कार महल के आगे आकर रुकी उसमें से अमर और अशोक जी बाहर निकले और अंदर की ओर भागे अंदर सुमित्रा जी हॉल में सोफे पर बैठी दोनों का ही इंतजार कर रही थी सुमित्रा जी ने जैसे ही अशोक जी और अमर को देखा वह जल्दी से खड़ी हो गई और बोली आप दोनों आ गए जल्दी चलिए सुमित्रा जी से कोई कुछ पूछता उससे पहले ही सुमित्रा जी ऊपर चली गई अशोक जी और अमर भी ऊपर चले गए मोनिका अपने कमरे में बैग पैक कर रही थी अशोक जी मोनिका से बोले बेटी यह तुम अपना सामान क्यों पैक रही हो कहीं जा रही हो क्या मोनिका बिना कुछ बोले सामान पैक करने लगी अमर मोनिका के का हाथ पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोला क्या हुआ मोनिका तुम इतनी अपसेट क्यों हो मोनिका अमर के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी उसके इस तरह रोने से सब घबरा गए मोनिका बस रोए जा रही थी अशोक जी मोनिका को अपने सीने से लगाकर बोले मोनिका क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो मोनिका रोते हुए बोली पापा मैं कहीं की नहीं रही सुमित्रा जी बोली लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ मोनिका अशोक जी से अलग हुई और बेड पर रखी एक फाइल उठाकर उनकी और बढ़ा दिया अशोक जी ने वह फाइल ली और पढ़ने लगे वह जैसे जैसे फाइल पढ़ते जा रहे थे उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे सुमित्रा जी अशोक जी से बोली क्या लिखा है रिपोर्ट में अशोक जी बिना कुछ बोले रिपोर्ट सुमित्रा जी की ओर बढ़ा दिया सुमित्रा जी ने जैसे ही रिपोर्ट पढ़ी उनकी आंखें हैरानी में फैल गई अमर दोनों से बोला ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में अमर ने सुमित्रा जी के हाथ से रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगा रिपोर्ट पढ़ते ही अमर हैरानी से बोला मोनिका प्रेग्नेंट हैं मोनिका रोते हुए बोली हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ अब मेरा क्या होगा मुझसे कौन शादी करेगा अमर फाइल को फर्श पर फेंकते हुए बोला मैं उसे छोड़ूंगा नहीं उसकी मौत आज मेरे हाथों से होगी अमर वहां से चला गया अमर को किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की अशोक जी बोले मोनिका मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया लेकिन तुम्हारी वजह से हमें जो कुछ सहना पड़ेगा उसका मैं क्या करूंगा मोनिका रोते हुए बोली पापा आप अभी भी मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं अगर आप इस बदनामी से बचना चाहते हैं तो उस आद्र से कहो मुझसे शादी कर लें सुमित्रा जी बोली मोनिका अगर आद्र तुझसे शादी करना ही चाहता तो तुझे ऐसे क्यों छोड़ता सुमित्रा जी कुछ देर रुककर बोली मोनिका तुम अबोशन करवा लो मोनिका खड़े होते हुए बोली मासा यह आप कैसी बात कर रही हैं मैं अपने बच्चे को कैसे मार दूं उधर अमर रास्ते में था तभी उसकी गाड़ी के आगे कई सारे गाड़ी आकर रुकी अमर जल्दी से बाहर निकला और उन सब से बोला मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम सबको आज मैं मार डालूंगा गाड़ी में से कई सारे गार्ड निकले उनमें से एक गार्ड बोला कुंवर सा राजासा ने आपको वापस बुलाया अमर उन सब पर चिल्लाते हुए बोला मैं वापस उस आदर को मार कर ही आऊंगा वह गार्ड फिर से बोला माफ कीजिए कुंवर सा राजासा का आदेश है अगर आप अपनी मर्जी से नहीं आए तो हमें आपको अपने तरीके से ले जाना होगा अमर बोला ठीक है चलो कुछ देर बाद अमर हॉल में खड़ा था और गुस्से में अशोक जी से बात कर रहा था अमर बोला पापा आपने मुझे वापस क्यों बुलाया मैं उस आद्र का काम तमाम कर देता अशोक जी भी अमर से उसी टोन में बोला तुम्हें क्या यह इतना आसान लगता है भूलू मत वह राजस्थान का हुक्म सा है और अगर तुम इस बात को भी इग्नोर कर दो तो वह बोलते बोलते अशोक जी अचानक चुप हो गए अशोक जी के शांत होते ही अमर बोला हाँ तो मैं भी कोई आम इंसान नहीं हूँ मैं भी उसकी ही तरह हूँ भले ही आधा ही सही सुमित्रा जी नीचे आई और बोली क्या वहा अशोक जी बोले नहीं वह अभी तक नहीं आई सुमित्रा जी कुछ सोचते हुए बोली कब तक आएगी अशोक जी एक गहरी सांस लेकर बोले पता नहीं ये भी नहीं पता कि वह गई कहाँ है सुमित्रा जी अपना सिर हिलाते हुए बोली जैसे ही वह आएगी हम शगुन लेकर जैसलमेर जाएंगे अमर दोनों को देखते हुए बोला आप किसकी बात कर रहे हैं अमर की बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया ऊपर मोनिका अपने कमरे में सोफे पर बैठी सेब खा रही थी उसके चेहरे से नहीं लग रहा था कि वह कुछ देर पहले रो रही थी उसका एक हाथ उसके पेट पर था मोनिका कुछ सोचते हुए जोर जोर से हंसने लगी जैसलमेर आद्र पूरी रात सो नहीं पाया या ये कहें कि हमेशा की तरह आज भी उसे नींद नहीं आई आद्र की आंखें हल्की लाल थी क्योंकि महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया था लेकिन आद्र अच्छे से सो भी नहीं पाया था आद्र उठकर जिम में चला गया दो घंटे बाद जब आद्र बाहर आया तो वह पूरी तरह से पसीने से नहाया हुआ था आद्र जल्दी से ड्रेस अप होकर वहां से चला गया प्रताप इंडस्ट्री कई सारी का प्रताप इंडस्ट्री के आगे आकर रुकी उसमें से आद्र निकला और उसके साथ मनन वी दोनों अंदर चले गए आद्र के अंदर आते ही सभी अपने अपने काम में लग गए आद्र अपने केबिन में चला गया आद्र अपने केबिन में जाकर बैठा ही था कि पीछे पीछे कुनाल भी आ गया कुणाल को आता देख आद्र बोला क्या बात है कुणाल आज तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कुणाल बोला हुकुम सा खबर मिली है कि आप पर हमला होने वाला है ये हमला वही मिस्टीरियस इंसान करवाने वाला है जिसने आप पर लंदन में हमला करवाया था आद्र कुछ सोचते हुए बोला मुझे लगता है ये खबर उन लोगों ने जानबूझकर दी है क्योंकि हम कब से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो फिर अचानक ही यह खबर कैसे आई कि वह पर हमला करने वाले हैं मनन जो फ़ाइल लेकर आ रहा था जब उसने कुनाल और आद्र की बात सुनी तो वह हैरान रह गया मनन बोला लेकिन हुकुम सा हम ये जानने के बाद कि आपको ख़तरा है हम आराम से तो नहीं बैठ सकते ना कुणाल भी मनन का साथ देते हुए बोला हाँ हुक्म सा मनन बिल्कुल सही कह रहा है हम लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कर सकते मैं आज से आपकी सिक्योरिटी खुद करूंगा आद्र सख्ती से बोला बिल्कुल भी नहीं तुम अभी सबके सामने नहीं आ सकते और मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि खुद की रक्षा ना कर सकूं लेकिन हुक्म सा यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको हर खतरे से बचाऊं कुणाल को बीच में रोकते हुए आद्र बोला यह मेरा आखिरी फ़ैसला है तुम अभी सबके सामने नहीं आओगे कुनाल सिर झुकाकर मायूसी से बोला आपका हुकुम सर आंखों पर हुकुम सा मनन कुनाल के मूड को ठीक करते हुए बोला चिंता मत कर तुम अभी सबके सामने नहीं आ सकते तो क्या हुआ मैं पहले से ही सबके सामने हूँ इसलिए मैं आज से हुकुम सा की सिक्योरिटी का ध्यान रखूँगा मनन की बात सुनकर कुनाल शांत हो गया कुछ और बात कर कुणाल वहां से चला गया कुणाल के जाने के बाद मनन बोला हुकुम सा आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आदर बिना कुछ बोले बाहर चला गया दिल्ली मेहरा कंपनी विनोद जी के केबिन में विनोद जी अहिर जी और प्रमोद जी बैठे थे तीनों के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी विनोद जी बोले अहिर एक बार और सोच लो क्या तुम सच में एंजल को सारा सच बताना चाहते हो अहिर जी घबराते हुए बोले नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे सारा सच बता दूं इसलिए मैं उसे बस आधा सच ही बताऊंगा प्रमोद जी बोले एंजल समझ तो जाएगी ना कहीं वह पेनिक ना हो जाए विनोद जी बोले और बाकी बच्चे उनका ना जाने कैसा रिएक्शन होगा अहिर जी बोले दो दिन बाद वह रात आ जाएगी पता नहीं हमारे बच्चे हमें समझेंगे भी या नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी अनिका भागते हुए काहिरा की क्लास में गई और उसे ढूंढने लगी काहिरा एक बेंच पर सिर रख कर सो रही थी काहिरा को सोता देख अनिका ने अपना सिर पीट लिया अनिका बोली इसका कुछ नहीं हो सकता पता नहीं हुकुमसा इसे कैसे संभालेंगे अनिका काहिरा को उठाते हुए बोली एंजल उठ यार देख बाहर कितना बड़ा हंगामा हो रहा है उठ जा काहिरा कसमसाते हुए दूसरी तरफ सिर करके सो गए अनिका अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली अब इसे कैसे उठाऊं अनिका ने पास रखी पानी की बोतल देखी अनिका बोतल उठाते हुए बोली सॉरी एंजल लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है अनिका ने अपने हाथ में पानी लेकर काहिरा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे काहिरा अचानक उठ बैठ गई उसकी आंखों में अभी भी नींद भरी थी काहिरा अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए बोली क्या है अनी क्यों उठाया मुझे अनिका बोली बाहर चलकर देख क्या हंगामा हो रहा है और प्रिंसिपल भी तुझे बुला रहे हैं काहिरा आलस से बोली क्यों अनिका काहिरा का हाथ पकड़कर क्लास के बाहर ले जाते हुए बोली तुम खुद चल देख ले अनिका काहिरा को कॉलेज के कैंपस में लेकर गई उस कैंपस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कॉलेज के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए हो काहिरा की नींद अब थोड़ी कम हो गई थी वह इतनी भीड़ देखकर बोली यहाँ क्या हो रहा है ये सब ऊपर क्या देख रहे हैं अब प्लीज यह मत कहना कि आसमान में एयरोप्लेन देख रहे हैं बस इसलिए ही तो इंडिया इतनी पीछे रहे गया अनिका बोली नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अनिका सबको धक्का देते हुए आगे जाने लगी और काहिरा भी बेमन से अनिका के पीछे पीछे चलने लगी काहिरा जैसे ही आगे आई सब उसे ही देखने लगे अनिका ने ऊपर देखा जहाँ एक लड़का खड़ा था वह लड़का दिखने में एवरेज था उस लड़के ने जैसे ही काहिरा को देखा तो वह चिल्ला कर बोला काहिरा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ अगर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा काहिरा अपने आसपास देखते हुए बोली यह कौन बोला रोनी ने काहिरा का सिर ऊपर कर दिया और बोला तुम्हारा एक और आशिक काहिरा ने देखा छत के किनारे पर एक लड़का खड़ा था तभी वहाँ प्रिंसिपल आया और बोला काहिरा ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम कैसे भी करके इसे नीचे आने के लिए कन्वेंश करो काहिरा जो अपनी नींद टूटने की वजह से गुस्से में थी आखिर में उसका गुस्सा फूट पड़ा काहिरा गुस्से में बोली मैं क्यों जिम्मेदारी लूं इसकी क्या मैंने कहा था इसे कि जाकर जाओ और जाकर मेरे लिए ऊपर से कूदूँ प्रिंसिपल आप है ना तो जाइए और जाकर अपने स्टूडेंट को नीचे उतारिए क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है ना कि मेरी प्रिंसिपल तो काहिरा का ये रूप देखकर हक्का बक्का रह गया उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अभी हुआ क्या प्रिंसिपल के गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी काहिरा वहां से जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी उसके कानों में फिर से उस लड़के की आवाज़ पड़ी काहिरा मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत प्यार अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा ना तो मैं नीचे कूद जाऊंगा रोनी मुस्कराते हुए बोला काहिरा जल्दी हाँ बोलो नहीं तो तुम्हारा आशिक नीचे कूद जाएगा सचिन भी रोनी का साथ देते हुए बोला हाँ और अगर यह नीचे कूद कर मर गया तो तुम्हारा क्या होगा श्रेया दोनों को चुप कराते हुए बोली क्यों तुम बेचारी को सता रहे हो एक तो ये बेचारी इस बात से वैसे ही परेशान है अगर इसके आशिक कुछ हो गया तो श्रेया की बात पर अनिका रोनी और सचिन जोर जोर से हंसने लगे काहिरा गुस्से में बोली अगर तुम लोगों ने कुछ और कहा ना तो कसम से मैं तुम चारों को ऊपर से फेंक दूंगी काहिरा की बात पर सब एकदम चुप हो गए ग्राउंड में खड़े सभी लोग काहिरा से बोले काहिरा हाँ कह दो काहिरा से यस सभी लोगों की आवाज़ कैंपस में गूंजने लगी काहिरा ने गुस्से में सबको देखा काहिरा की ऐसी नजरें देखकर सभी लोग चुप हो गए काहिरा सबसे बोली अगर तुम सबको इतनी ही चिंता है उसकी तो तुम लोग उसे हाँ कह दो ना वह लड़का बोला काहिरा मैं पाँच तक काउंट करूंगा अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं नीचे कूद कर अपनी जान दे दूंगा उस लड़के ने काउंट करना स्टॉर्ट करते हुए बोला वन प्रिंसिपल एक बार फिर हिम्मत करके बोला काहिरा उसे हाँ कह दो वरना वह कूद कर मर जाएगा और अगर यह मर गया तो हमारे कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा तो वह लड़का नीचे देखते हुए बोला काहिरा प्रिंसिपल से बोला ये कॉलेज तो वैसे भी बदनाम है मैं इसे हाँ क्यों कहूँ और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह लड़का आपका कोई रिश्तेदार है काहिरा के ये कहते ही सब प्रिंसिपल की ओर देखने लगे सबके इस तरह देखने से प्रिंसिपल सकप का गया काहिरा अपनी आंखें छोटी कर बोली यानी मेरा शक सही निकला आपको तो मैं बाद में देख लूंगी थरी वह लड़का फिर बोला काहिरा अपना सिर ऊपर कर उस लड़के को देखने लगी काहिरा के देखने से वह लड़का खुश हो गया उसे लगा कि काहिरा उसके प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली है काहिरा अपनी कमर पर हाथ रख कर बोली मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट करती हूँ और अब मैं खुद कहती हूँ कि तुम नीचे कूदो अगर तुम नीचे कूद कर मर गए तो मैं तुम्हारे प्यार को सच्चा मान लूंगी और अगर जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी अब नीचे कूदो काहिरा की बात सुनकर वह लड़का डर गया उसके डर से पसीने छूटने लगे कैंपस में खड़े सब लोग आंखें फाड़े उसे देखने लगे काहिरा बोली कूदू नीचे तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो उसे प्रूव करो वह लड़का अपना सिर डर से जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाने लगा और बोला नहीं मैं नहीं कूदूंगा बोलकर उस लड़के ने कसकर रेलिंग को पकड़ लिया सो डोंट फर्गेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए राधे राधे